चित किंचित कुलोत्कर्षम चिकीर्ष्या, अपने कुल की उत्कृष्टता का किंचित भी विचार करता है, अपने कुल की उच्चता का किंचित भी विचार करता है। ओ क्या हो रहा जगत में, एक कुल की वृद्धि कर रहे हैं। ओ एक सितंबर साधु बोल रहा है मैं आग लगा दूंगा देश में। ओ तुम जैन वचन को दूषित कर रहे हो, तुम्हें विवेक होना चाहिए, भावुकता में वचनों पर नियंत्रण होना चाहिए। भगवान अरहंत का बिंब, उसके सामने तुमने भड़कीली भाषा बोल करके छुरे चाकू चलवाए हैं, ये तुम महावीर की अहिंसा को बदनाम कर रहे हो। तुम कैसे जिन शासन कुल को उच्चकर करने वाले हो, कितने पतित हो चुके तुम, कितने पतित हो चुके हो। जो पारसनाथ स्वामी के सामने रक्त बहाया हो, जिसने इतनी भड़कीली भाषा बोली है, श्रमणों उत्कर्ष चाहिए तो उपसर्ग आने पर भी अपनी भाषा सम्मति मत तोड़ना। क्या किया उन्होंने, चाहे जैन दिगंबर हो चाहे सितंबर हो, आखिर में जैन तो सब जुड़ा है आपसे, और जैन सब जुड़ा है तो आपके मन में धम्मस्य मूलम दया सूत्र कहाँ चला गया। धम्मो मंगल मुकेटम अहिंसा संयम तो देवावित मन संद जस धम्मे श्यामो, सिद्धांत तुम्हारे कहाँ विलीन हो गए। सागर जी, भैया भैया आपके धर्म की परीक्षा जब होती है, जब सामने तुम्हारे ऊपर आक्रमण कोई कर दे, आपके ऊपर अपनों के ऊपर, तब भी पर की विराधना की भावना है, ये दिगंबर जैन धर्म की अहिंसा है। तब भी उसे तंबर साधु को मैं कह रहा हूं तू दया का पात्र है। वो साधु दया का पात्र जो ऐसा बोल गया, क्योंकि बेचारा कर्म से बंध गया और कितने जीवों की आस्था को उसने विचलित कर दिया, वो साधु दया का पात्र, परम करुणा का पात्र। बेचारे के पास सूचना भेज देना चाहिए सुब्रत सागर जी, बहुत दया का पात्र जिसने चाकू चलवाए हैं, स्वयं बोल करके जिसने बोला कि मैं बाउंसर बुला रहा हूं, उनको बुला करके अजैनों को बुला करके जैनियों को पिटवाया है। ये कुल का क्या उत्कर्ष करेंगे, जब तुमको मालूम है प्रतिमा दिगंबर है, तुम्हारे विमल सूर्य स्वयं बोल रहे हैं कि नग्न प्रतिमा ही पूज रही थी, ये तुम्हारे लोगों ने कछुटे लगाए, इसका मतलब तुम्हारी उत्पत्ति ही बाद में हुई है, सनातन दिगंबर धर्म है, जब से अवनी अंबर है तब से दिगंबर है, और जब तक रहेगा अवनी अंबर तब तक रहेगा दिगंबर। तो ये कुल का विकास कैसे करेंगे, बाल को धन का वल और भीड़ जुटा करके जगत को खड़ा कर लेना, ये महत्वपूर्ण नहीं है। भीड़ को अहिंसा का पाठ पढ़ा करके दया से सरोवार कर देना, ये महत्वपूर्ण है। तस्कर लोग कभी सत्य को समझ नहीं पाएंगे, तस्कर लोग कभी सत्य को समझ नहीं पाएंगे। किसी भी तीर पर दिगंबरों ने कब्जा नहीं किया, हमारे दिगंबर हजारों तीर्थों पर कब्जे किए हैं वस्त्रधारियों ने, और वस्त्रधारी किसी भी संप्रदाय के हों, सबने कब्जे किए। आप लोगों को अध्ययन करना है, ज्ञानी बनना है, समता के साथ विभार तीर्थ की रक्षा नहीं होगी तो निश्चय तीर्थ की भी रक्षा नहीं होगी। निश्चय तीर्थ तत्व ज्ञान भूत है, विवाह तीर्थ संस्कृति की रक्षा के लिए है, वो दोनों तीर्थ आत्मकल्याण के हेतु हैं।